छात्रों से मारपीट की घटना के बाद कसोला और बगथला गांव के बीच कायम तनाव को दूर करके भाईचारा कायम रखने को लेकर ग्रामीण बावल के विधायक एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से मिले और इस विवाद के स्थायी समाधान के लिए बगथला गांव में स्थित स्कूल को अपग्रेड करने की मांग की। ग्रामीणों की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री से फोन पर बात की और स्कूल को अपग्रेड करने की सिफारिश की। मंत्री ने कहा कि किसी भी गांव में विवाद नहीं पनपने दिया जाएगा। जहां तक विवाद का सवाल है तो ये बच्चों को लेकर शुरू हुआ था। बहरहाल ग्रामीणों की मांग पर शिक्षा मंत्री से बात की गई है। स्कूल द्वारा नॉर्म्स पूरे किए जाने पर जल्द ही स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि होली बखापुर और कसोला गांव के छात्रों के बीच मारपीट हो गई थी। दोनों गांव में काफी तनाव बढ़ गया था। इस दौरान बगथला के जो लोग बावल और रेवाड़ी आने के लिए कसोली गांव से होकर आ रहे थे, उनको रास्ते में ही रोका जा रहा था। उनमें कई तरह की मारपीट भी की जा रही थी। महिला प्रोफेसर के साथ मारपीट करके उनकी कार का शीशा भी तोड़ दिया गया था। इसके अलावा अन्य लोगों के साथ मारपीट भी की गई थी। मारपीट की इन घटनाओं के बीच दोनों गांव में तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और कुछ हमारे इधर बावल जो गांव है कसोली कमालपुर है मखापुर है, इन गांवों के जो बच्चे हैं बगथला जाते हैं, प्लस टू का स्कूल बगथला में, तो वहाँ आपस में कुछ बच्चों में झगड़ा हो गया, तो उससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। उसकी वजह से ये लोग आए थे कि हमारा जो स्कूल है वो कसोला वाला अपग्रेड किया जाए और जब तक ये स्थिति सामान्य ना हो टेम्परेरी अरेंजमेंट हमारा कसोला में ही प्लस टू का किया जाए। तो उसके लिए हमने माननीय शिक्षा मंत्री जामला जी से बात की फोन पे, और उन्होंने ये कहा कि आश्वासन दिया है कि हम इसको करेंगे, आप पंचायत से रेजुलेशन लें, बच्चों से कितनी स्ट्रेंथ हो दें, उसके बाद हमने गाँव वालों को बता दिया और माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान कर अपग्रेड। देखो सरकार की जो भी कार्रवाई है पूरी होने के बाद। आज न्यूज के लिए रेवाड़ी से अजय अत्री की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।